जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 18 जनवरी और 18 जनवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो जरूर देखना। वीडियो के लास्ट में मैं एक प्रश्न देता हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट में बताना होता है, तो सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और सभी के जो कमेंट होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं शामिल करता हूँ। ठीक है, तो आपको कमेंट में जरूर उत्तर बताना है। और साथियों, सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में रोज़ दोपहर 2:30 बजे आपकी बाल विकास की कक्षा होती है, शाम को 6:30 बजे पर्यावरण और बाल विकास की कक्षा होती है, लाइव क्लास होती है, 9 बजे आपकी हिंदी साहित्य की लाइव क्लास होती है और रात्रि 12 बजे आपको करंट अफेयर्स की जो है वीडियो मिलती है। साथ ही पूरी की पूरी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रेषित की जाती है, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS Study Trek। ठीक है, IAS Study Trek, और आप हमारे IAS Study Trek यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और साथ ही आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो कोई भी डाउट क्लियर भी कर सकते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? जल्दी से आपको उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 3, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप सभी को याद रखना है उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और लखनऊ में 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया। यूपी विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हृदय नारायण दीक्षित हैं, ने स्वागत भाषण से सम्मेलन की शुरुआत की। सम्मेलन में देश भर के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया और उत्तर प्रदेश को पहली बार CPA इंडिया रीजन के सम्मेलन की मेजबानी मिली है। CPA इंडिया जोन के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला है ना। आपसे पूछा अगर जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में ओम बिड़ला जी हैं, है ना। और इस सम्मेलन की जो थीम थी, आपसे पूछा जाएगा कि 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया, तो लखनऊ में किया गया। इसकी थीम क्या थी? तो जनप्रतिनिधियों की भूमिका, ए इसका विषय था। सभी को याद रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आपका जो उत्तर है कि राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग कैजिन अभ्यास का आयोजन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सहयोग कैजिन अभ्यास का जो आयोजन किया गया वो किया गया दोस्तों, वो किया गया जापान और भारत के तटरक्षक बलों के बीच। ठीक है, भारत और जापान के तटरक्षक बलों यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। इनके बीच में सहयोग कैजिन अभ्यास हाल ही में जो है आयोजन किया जा रहा है। यह अभ्यास आपसी संबंधों को मजबूत करने के साथ किसी आपदा या खतरे के दौरान आपसी तालमेल को बेहतर करने के मकसद से किया जा रहा है। इस चयन अभ्यास का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। इस अभ्यास का जो है स्थान हर 2 वर्ष में दोनों देशों में बदला जाता है। अभ्यास का उद्देश्य दोनों देश के तटरक्षकों के बीच संबंधों तथा आपसी समझ को मजबूत करना है। दोनों देशों के तटरक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि सहयोग कैजिन अभ्यास किन 2 देशों के तटरक्षक बलों के बीच होता है या आरंभ हुआ है, तो भारत और जापान। ठीक है, याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजातीय समुदाय के लोगों के शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाने के लिए गृह मंत्री द्वारा हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो जनजाति कौन सी है आपको बताना है जिसे त्रिपुरा में बसाया जाएगा, तो वो है ब्रू रियांग। ब्रू रियांग यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है, इस जनजाति के शरणार्थियों को जो है त्रिपुरा में बसाया जाएगा। ब्रू रियांग शरणार्थी समस्या का समाधान करते हुए उन्हें मिजोरम से त्रिपुरा में बसाने के लिए एक समझौता किया गया है। इसके तहत ब्रू शरणार्थियों को 4 लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ 40 से 30 फीट का प्लॉट मिलेगा। साथ ही उन्हें 2 साल के लिए 5,000 रुपये प्रति माह की नगद सहायता और मुफ्त राशन भी दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें त्रिपुरा के वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। गौरतलब है कि 1997 से ही मिजोरम से आए करीब 30,000 ब्रू शरणार्थी त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे। तो आप सभी को याद रख लेना है कि जो ब्रू रियांग जनजाति के शरणार्थी हैं उन्हें कहां पर बसाया जाएगा, त्रिपुरा में बसाया जाएगा और विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो उनको दी जाएंगी, जो नीचे दी गई हैं सभी लोग देख लेना। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में किस तोप की 51वीं यूनिट को
सेना में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इक्यावनवीं यूनिट को सेना में शामिल किया गया है, तो वो है K9 वज्र, यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो इसका सही हो जाएगा। इसे हाल ही में जो है 51वीं यूनिट को सेना में शामिल किया गया है। ठीक है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 जनवरी 2020 को K9 वज्र टी तोप की 50वीं यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे नवंबर 2018 में सेना में शामिल किया गया था। K9 वज्र तोप केरियाई सेना द्वारा उपयोग किए जा रहे K9 थंडर का ही एक प्रकार है। इस तोप का वजन 50 टन का है और यह 47 किलोग्राम के गोले 43 किलोमीटर की दूरी तक दाग सकती है। तो सभी को याद रख लेना है कि हाल में K9 वज्र जो तोप है, इसे ये जो 51वीं यूनिट है इसको सेना में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, पांचवा साइंस फेस्टिवल का शुभारंभ कहाँ पर किया गया। पांचवा साइंस फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया, तो ये किया गया गोवा, यानी कि जो विकल्प नंबर एक है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, पांचवे साइंस फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया गोवा की राजधानी पणजी में, और वर्तमान में गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रमोद पांडुरंग सावंत हैं। ठीक है, आपको याद रख लेना है, और गोवा में हाल ही में पांचवे साइंस फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, आईसीसी ने वर्ष 2019 में टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है या किसे चुना है, तो वो चुना है पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया। टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना है पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब आपके मन में एक विकल्प आता होगा कि जब टेस्ट क्रिकेटर चुना है पैट कमिंस को, तो वनडे क्रिकेटर किसे चुना है, तो वो चुना है रोहित शर्मा, जो कि भारत के हैं। तो देख लेते, आईसीसी ने 2019 में टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर पैट कमिंस को दिया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, जबकि आईसीसी ने वर्ष 2019 में वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना है तो रोहित शर्मा को, जो कि भारत के हैं। ठीक है, सभी को याद रख लेना। और आईसीसी ने वर्ष 2019 नेसर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी फॉर बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार बेन स्टॉक्स को दिया है, जो कि कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। तो ये सारी की सारी आपको चीज़ें याद रखनी है कि टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है पैट कमिंस को, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है रोहित शर्मा को। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, मत पत्रों से किस प्रकार के व्यक्ति मतदान कर सकेंगे। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दिव्यांगजन और 80 वर्ष आयु के ऊपर जो लोग हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये मत पत्र के द्वारा जो है मतदान कर सकेंगे। डाक मत पत्रों से दिव्यांगजन और 80 वर्ष की आयु से ऊपर के लोग व्यक्ति मतदान कर सकते हैं। अब तक डाक पत्र केवल चुनावी ड्यूटी में तैनात सेना के जवानों के लिए उपलब्ध है, लेकिन अब ये जो 80 दिव्यांगजन और 80 वर्ष से ऊपर के लोग जो है मतपत्र का उपयोग कर सकते। खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। 8 का उत्तर आपको बताना है। खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन का जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा लद्दाख। लद्दाख यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है, और लद्दाख को जो है हाल ही में क्या बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है, 9। सभी को याद रख लेना है, जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और लद्दाख में हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन का आयोजन किया गया है, सभी को याद रखना है। ठीक है, लद्दाख में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहला अनूठा ह्यूमन इंटरेक्टिव इंटरफेस सिस्टम लगाया है, तो कहाँ पर लगाया है, किस स्टेशन पर लगाया है, तो वो लगाया विशाखापट्टनम, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा, है ना। और भारतीय रेलवे इस रेलवे ने देश के रेल सफर को लोगों के लिए रेल सफर को और सुविधाजनक बनाने के लिए विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर पहला अनूठा ह्यूमन इंटरैक्टिव इंटरफेस सिस्टम लगाया है। इस सिस्टम से यात्री फ्री में मोबाइल और वीडियो कॉलिंग के साथ मोबाइल चार्जिंग, मौसम और ट्रेन सहित स्थानीय जगहों की जानकारी ले सकेंगे। तो आपको याद रख लेना है कि अनूठा ह्यूमन इंटरैक्टिव इंटरफेस कहाँ लगा गया है, तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, रूस के प्रधानमंत्री की इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किसे देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया। जी हाँ दोस्तों, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन हैं, रूस की राजधानी है मॉस्को, रूबल यहाँ की मुद्रा है, और यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं, मिखाइल बी मिसुस्ती
मिसुस्तिन है ना, मिखाइल बी मिसुस्तिन, इन्हें नया प्रधानमंत्री चुना गया है। सभी लोगों को याद रख लेना है, आपको पता होगा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो मिखाइल बी मिसुस्तिन को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। और जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो दिमित्री मेदवेदेव थे, ठीक है। और इन्होंने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री मेदित्री देवदेव की मेदवेदेव के इस्तीफे के बाद पुतिन ने मिसुस्तिन का नाम भी सुझाया। और मिसुस्तिन रूस के टैक्स विभाग के प्रमुख पद पर थे। पुतिन द्वारा संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद दिमित्री मेदवेदेव ने कैबिनेट सहित इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो रूस के प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में, तो वो बने हैं कौन कौन बने हैं, मिखाइल बी मिसुस्तिन, ठीक है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन हैं। और आपको पता है कि मॉस्को यहाँ की राजधानी है, रूबल यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। तो रूस के बारे में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्र भी है। इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से एरियन 5 प्रक्षेपण यान के माध्यम से किस संचार उपग्रह को हाल ही में प्रक्षेपित किया है, तो वो संचार उपग्रह है GSAT-30, ठीक है। विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि GSAT-30 उपग्रह को किस यान से लॉन्च किया गया है, तो आपका उत्तर होगा एरियन 5 प्रक्षेपण यान से, ठीक है। ये उत्तर आपका होना चाहिए। और GSAT-30 INSAT-4 एक ही जगह लेगा तथा उसकी कवरेज क्षमता अधिक होगी। INSAT-4A को साल 2005 में लॉन्च किया गया था। GSAT-30 इसरो का डिजाइन किया हुआ सबसे बढ़िया और सबसे ताकतवर संचार उपग्रह है। GSAT-30 GSAT सीरीज का बेहद ताकतवर संचार उपग्रह है, जिसकी मदद से देश की संचार प्रणाली में भारत और भी ताकतवर हो जाएगा। तो सभी को याद रख लेना है कि हाल ही में GSAT-30 जो है उपग्रह लॉन्च किया गया है, जो INSAT-4A की जगह लेगा और ये एरियन 5 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया। बात आती है इसरो की, तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं के सिवन साहब हैं, ठीक है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। अगला हमारा प्रश्न है, 2 वर्ष बाद आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर कितने अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण के लिए इस महीने में रूस भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो याद रख लेना है 2 वर्ष बाद 75वीं सालगिरह है ना आज़ादी की। और इस आज़ादी की सालगिरह पर जो है अंतरिक्ष यात्रियों को रूस भेजा जाएगा, है ना। वर्ष 2022 में देश की आज़ादी की 75वीं सालगिरह पूरी होने पर गगनयान लॉन्च किया जाएगा। गगनयान है ना, आपको याद रख लेना है गगनयान लॉन्च कब की जाएगा, तो 75वीं सालगिरह यानी कि 2022 में, जिसके लिए भारत के चयनित 4 अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण के लिए इस महीने रूस भेजा जाएगा, जो कि रूस में 11 महीने तक प्रशिक्षण लेंगे। इस गगनयान प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो ये सारी की सारी याद रखनी है। और चंद्रयान मिशन 3 की तैयारी भी चल रही है, जिसकी जो अनुमानित लागत है वो 600 करोड़ है। तो ये सारी की सारी जानकारी आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, जो आपको कमेंट में लिखना है, आपके कमेंट जो है हर वीडियो में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वर्ल्ड कप 2019 में खेल भावना के लिए किस खिलाड़ी को ICC ने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो जल्दी से कमेंट में आपको फटाफट से उत्तर लिखना है और आपके कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल शामिल किया जाएगा। आपने क्या उत्तर बताया है ना, वो शामिल किया जाएगा। आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना है, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को भी दबाना है। फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोगों को जुड़ना है, जहां पर आपको PDF मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सर्च करो IAS स्टडी ट्रैक, और 6:30 बजे शाम को पर्यावरण वाल विकास की जो है क्लास होती है, लाइव क्लास, तो उससे भी जुड़ सकते हो। और 9 बजे हिंदी साहित्य की लाइव क्लास होती है, तो उससे भी जुड़ सकते हो सेल्फ स्टडी क्लासेस में, ठीक है। और दोपहर 2 बजे आपकी बाल विकास की क्लास होती है, तो उससे भी जुड़ोगे। रात में 12 बजे करंट अफेयर्स की PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगी। देख लेते हैं महत्वपूर्ण कमेंट। जी हाँ, तो सबसे पहले जो कमेंट किया है वो ललित सिंह ने किया है, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट जो कमेंट आया है वो गोरेलाल जी कुशवाहा का आया है, प्रतिमा जी का आया है, बहुत बढ़िया, और आया है प्राची चौहान का। इन्होंने सभी ने उत्तर सही बताया है। तो इसी प्रकार से दोस्तों लिखते रहें, कमेंट में लिखते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। लाइक करें और शेयर करें, और रोज 12 बजे आपका करंट अफेयर्स का वीडियो आपको प्रेषित किया जाता है। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजी जाती है, तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।